सीएम फ्लाइंग व आईएमटी थाना पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ी 2438 पेटी अवैध शराब। गुप्त सूचना के आधार पर भालोट किलोई रोड पर बने गोदाम की गई थी रेड। पुलिस ने लिया हिरासत में, पूछताछ है जारी। सीएम फ्लाइंग व रोहतक पुलिस ने मिलकर शराब के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए भालोट किलोई रोड पर एक गोदाम से 2438 पेटी अवैध शराब बरामद की है। सीएम फ्लाइंग को गुप्त सूचना मिली थी कि भालोट किलोई रोड पर एक गोदाम में अवैध शराब भरी हुई है, जिसकी सूचना पर सीएम फ्लाइंग व आईएमटी थाना पुलिस ने मिलकर रेड की, जहां पर दो ट्रक व दो छोटे टेम्पो में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। आबकारी विभाग को बुलाकर मामले की जांच भी की गई तो पता चला इस पते पर शराब का कोई भी गोदाम सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। यही नहीं, मौके से दो युवकों को भी हिरासत में लिया गया है। आईएमटी थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि फिलहाल ये युवक इस शराब से संबंधित कोई भी दस्तावेज पुलिस के सामने पेश नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पता लगाया जा रहा है कि इस अवैध शराब के पीछे कौन लोग शामिल हैं। ये ऐसा है, कल अपने सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की इन्फॉर्मेशन थी, तो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और हमारी टीम जो थाने की टीम थी और एक्साइज की टीम थी, तो ये एक ज्वाइंट रेड थी और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की इन्फॉर्मेशन पे हमने वहाँ रेड करी और कई ये ब्रांड हैं उनकी वहाँ दारू मिली है वहाँ और उनका हमने पर्चा दिया। ये करीब 2400 के आसपास हैं ये पेटियाँ, जो अलग अलग ब्रांड हैं, ये बोतल भी हैं पूरी, अद्दा भी हैं और ये पौवा भी है, और जो दो अक्यूज अभी हमने अरेस्ट किए हैं, एक रोहित है और एक करमजीत उर्फ छोटू है। अवैध ऐसा है कि इसमें जो एक्साइज इंस्पेक्टर थे वो साथ लिए, उन्होंने कहा कि भाई उस टाइम ये कोई पर्ची या लाइसेंस कोई नहीं दिखा पाए, इस कारण ये कि भाई इनका कोई वैलिड परमिट नहीं। मुकदमा दर्ज कर दिया हमने और दो अक्यूज थे वो अरेस्ट कर दिए। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इन्वेस्टिगेशन में जो भी अक्यूज होंगे, फर्दर अक्यूज होंगे, उसी हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे।